कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां पर हमें एक जज को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग है। इस डॉग का नाम होता है बग। जज बग से बहुत प्यार करता है, बग भी जज से बहुत प्यार करता है। हालांकि बग बहुत समझदार है लेकिन बहुत शरारती भी होता है। वो पूरे शहर में बहुत शरारते करता है लेकिन उसकी शरारतों को सब नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग है। और एक दिन जब वो मार्केट में होता है तभी एक आदमी उसे देखता है, उसे बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत जरूरत है, जहां पर सोने की खाने हैं। यहां पर जज का माली भी होता है जो उसकी ये बात सुन लेता है। जज का अब बर्थडे होता है जहां पर खाने की तैयारियां हो रही होती है। बग अपनी शरारतों के चलते खाने की टेबल को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है जिससे जज को गुस्सा आता है और रात को उसे घर से बाहर निकाल देता है। बग के पास अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी उसे माली की आवाज आती है जो बग को अपने पास बुलाता है। बग जब उसके पास जाता है तो वो बग को एक बिस्किट दिखाता है जिसे वो घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। बग भी घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है और तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है और हमें बाहर माली के पास उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने मार्केट में कहा था कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत जरूरत है, जहां पर सोने की खाने हैं। वो आदमी माली को कुछ पैसे देता है जो बग देख लेता है और अब बग को एक बॉक्स के अंदर बंद करके ट्रेन से एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक डंडा होता है। वो बग के बॉक्स को खोलता है, वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बग को मारकर वहीं पर गिरा देता है। बग को पहली बार जिंदगी में किसी ने मारा है लेकिन बग किसी तरह से यहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो एक समुद्री जहाज के ऊपर है, चारों तरफ समुद्र है, यानी कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। अभी जहाज के किनारे पर रुकता है जो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। बग को यहाँ पर नीचे उतारा जाता है, तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है जिसे देखकर बग पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी है। वो बर्फ में खेलना शुरू कर देता है और उसे मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सी छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन है। और यहाँ पर जॉन और बग पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद बग को पकड़ लिया जाता है और उसे बग की डॉग्स के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे बग बहुत अच्छा लगता है और वो बग को खरीद लेता है। दरअसल ये एक पोस्टमैन है जो सिलेक्ट के ऊपर लोगों को उनके लेटर्स डिलीवर करता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ है, किसी भी तरह का और कोई भी वाहन यहाँ नहीं चल सकता और उसे अपने सिलेक्ट के लिए एक और डॉग की जरूरत है जो अब बग है। बग को पीछे बांध दिया जाता है लेकिन बग को बर्फ में चलना दौड़ना नहीं आता, इसलिए बार बार स्लिप हो रहा होता है। अब रात हो जाती है और बग को बहुत ठंड लगती है। पोस्टमैन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो टेंट के अंदर सोए होते हैं। बग वैसे बहुत शैतान होता है इसीलिए चुपके से टेंट के अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। जल्दी पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुलती है और बग को टेंट से बाहर निकालकर खुद वहां पर सो जाती है। बग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इतनी ठंड में कैसे सोएगा और तभी वो अपने सामने एक काली भेड़िए को देखता है जो उसी को देख रहा होता है। बग उससे डर जाता है और जब वो पीछे जाता है तभी वो एक डॉग से टकरा रहा है जो गड्ढा करके सो रहा होता है। वो डॉग वहां से उठकर चला जाता है और बग उस गड्ढे में सो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से सब डॉग्स को खींच रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर बग को अब भी बहुत परेशानी हो रही होती है। वो सीख रहा होता है कि बर्फ में कैसे भागा जाता है। काम करने के बाद इन सबको खाने के लिए फिश ली जाती है और तभी स्लेट के सबसे आगे जो डॉग भागता है जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव और एग्रेसिव होता है वो दूसरे डॉग की फिश को छीन लेता है। जब बग ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अपनी फिश उसे दे देता है जो देखकर सभी डॉग्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि कभी भी डॉग्स अपना खाना दूसरे को नहीं देते। दरअसल स्लेट के सबसे आगे जिस डॉग को बांधा जाता है जो पूरी स्लेट को लीड करता है वो किसी से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता और जब ये एक जगह पानी पी रहे होते हैं तो वही डॉग किसी को भी वहां से पानी नहीं पीने देता, जिसके बाद बग एक दूसरी जगह पर अपने पंजों से बर्फ को तोड़ता है और वहां पर सब पानी पीना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि बग बहुत ही अच्छा डॉग है। हालांकि वो अपने पुराने मास्टर जो कि एक जैसा उसके पास रहते हुए बहुत ज्यादा शरारती हो गया था क्योंकि उसने कभी भी उसे कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सीख रहा है। साथ ही दूसरे डॉग से उसकी दोस्ती भी हो रही है और फ्रेंड डॉग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब जैसे जैसे वक्त बीता है बग को बर्फ में भागना आ जाता है और एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक कर रही होती है तो अचानक से वो पानी के अंदर बर्फ के नीचे गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन बग उससे पहले उस जगह पहुंचकर पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को पानी से निकालकर बाहर ले आता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड जिसे बग ने सबसे पहले टेंट से बाहर निकालकर खुद उसकी जगह पर सो गया था वो बग को पसंद करना प्यार करना शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे खाना भी खिलाती है जो देखकर फ्रेंड डॉग जो कि बग से बहुत ज्यादा जेलस है पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। रात को बग एक खरगोश के साथ खेला करता था और रात भी जब उसके साथ खेल रहा होता है तभी वहां पर फ्रेंड डॉग आ जाता है और वो उस खरगोश को मार देता है। इसके बाद वो बग के ऊपर भी हमला करता है जिससे बग बेहोश हो जाता है, पर इससे पहले कि वो बग को मारता है यहाँ पर वही काला भेड़िया आता है जो बार बार बग को देता है और वो उस फ्रेंड डॉग को ऊपर चट्टान से नीचे फेंक देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पोस्टमैन अपने फ्रेंड डॉग को बुला रहा होता है लेकिन वो कहीं भी नहीं होता, इसीलिए आज बग को फ्रंट पर बांधा जाता है। इसके बाद बग बहुत तेज और बहुत अच्छी तरह से भाग रहा है और ये देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर से बहुत सारी बर्फ नीचे की तरफ आ रही है जिससे इन सबकी जान जा सकती है। बग भी देख लेता है, पोस्टमैन उसे कहता है कि तुम्हें लेफ्ट जाना होगा, लेफ्ट का इशारा करता है और तभी बग देखता है कि राइट साइड में चट्टान के ऊपर वही काला भेड़िया है जो उसे पहले भी कई बार दिख चुका है और वो राइट साइड एक गुफा के अंदर चला जाता है और बड़ी समझदारी से गुफा से भागता हुआ सबकी जान बचाकर सबको बाहर ले आता है। जिसके बाद वो शहर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सबके लेटर्स देने। इस शहर में जॉन भी होता है, जॉन वही है जिससे कभी बग टकराया था। जॉन अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन की बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आज उसके बेटे का बर्थडे है और जब वो लेटर लेकर पोस्टमैन के पास पहुंचता है तो पोस्टमैन यहां से निकल ही चुका होता है। पीछे से आवाज लगाता है, बग जॉन की आवाज सुन लेता है और वो रुक जाता है। इसके बाद वो खुद जॉन के पास जाता है और उसे उसका लेटर लेता है और अब बग अपने मास्टर के साथ पोस्टमैन के साथ और बाकी डॉग्स के साथ यहां से निकल जाता है। बग के जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें से बताया जाता है कि उस रूट को जिस रूट पे तुम लेटर देने के लिए जाते हो उसे टेलीग्राफ से रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि वहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजे जाएंगे, तुम्हें सभी डॉग्स को बेचकर वापस आना होगा। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता लेकिन अब उसे सभी डॉग्स को बेचकर यहां से निकलना पड़ता है। और अब यहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो यहां पर सोना ढूंढने के लिए आया है लेकिन उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो स्लेट खींचने के लिए बग को और उसके सभी साथियों को खरीद लेता है लेकिन उसके स्लेट में बहुत ज्यादा सामान होता है, इसलिए बग और उसके साथियों को उसके स्लेट को खींचने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर जॉन आ जाता है
जिसका लेटर खुद बग ने अपने मुंह से उसे लिया था। वो उस बिजनेसमैन को समझाता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो ये वक्त उस जगह जाने का सही वक्त नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन जॉन की बात नहीं सुनता और वो अपने डॉग्स को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। सामान बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो चल भी नहीं पा रहा होता और अब बिजनेसमैन उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और वो ऐसा करने से मना करता है। साथ ही उसे एक बार फिर से समझाता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन उसकी बात नहीं सुनना चाहता। जॉन उसे धक्का देकर गिरा देता है और इसके बाद वो बग को स्लेट से अलग करके अपने साथ ले जाता है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए उसे दो दिनों के बाद होश आता है। वो देखता है कि उसके पास जॉन है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो और अब तुम आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो कहां जाए, उसके पास रहने के लिए जाने के लिए कोई भी और जगह नहीं है। इसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है और वहां पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है और तभी बग यहाँ पर आ जाता है और उस बिजनेसमैन के ऊपर हमला करके जॉन को बचा लेता है। इसके बाद उस बिजनेसमैन को बाहर से बाहर फेंक दिया जाता है। जॉन जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसके दिल में बहुत गहरा दर्द होता है और बग जब देखता है तो समझ जाता है कि ये सब जॉन के लिए अच्छा नहीं है। और अब जब वो जॉन के साथ ही रहता है तो एक दिन वो उसकी वाइन की बोतल को बर्फ के नीचे दबाकर ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे खाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बग इतना भारी होता है कि वो उसे हिला भी नहीं पाता। अब बग और जॉन एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जॉन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत सारा सोना है, मेरे बेटे ने इस पर एक लाइन खींची थी और कहा था कि अगर हमें सोने तक पहुंचना है तो हमें इस रास्ते से होकर गुजरना होगा। इसके बाद जॉन और बग कश्ती से सोने की तलाश में नदी के रास्ते निकल पड़े हैं। दरअसल अब बर्फ गल चुकी है और जब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी कश्ती में होड़ हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है और इन दोनों को कश्ती छोड़नी पड़ती है। अभी घने जंगलों से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक केबिन दिखता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अभी दोनों यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। वही हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसे जॉन की बार में लड़ाई हुई थी। वो गन लेकर जॉन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता। उस बिजनेसमैन को वहां पर नक्शा दिख जाता है जिस पर वो लकीर होती है, जिससे समझ आता है कि हो ना हो सोना वहीं पर है और जॉन भी सोना ढूंढने के लिए गया है। वहीं जॉन जब एक दिन नदी में नहा रहा होता है तो उसे वहां पर सोने का छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो सही जगह पर है। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है और तभी बग भी पानी के अंदर डुबकी मारता है और पत्थर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है। जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बग एक बार फिर से डुबकी मारता है और इस बार वो सोने के बड़े से टुकड़े को बाहर ले आता है पर जॉन उसकी तरफ नहीं देखता। बग को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीज को उठाया है, इसीलिए वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। और तभी बग देखता है कि वहां पर एक सफेद रंग का भेड़िया है, उसका पीछा भी करता है लेकिन वो भाग जाते हैं। यहाँ पर भेड़िए भी रहते हैं और एक दिन जब एक भेड़िया पानी को नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। इससे पहले कि उसकी जान जाती बग उसकी जान बचा लेता है और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा इन भेड़ियों के साथ बग बिताना शुरू कर देता है लेकिन हर शाम को वो जॉन के लिए शिकार करके लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो। बग के ना रहने से जॉन को अकेलापन होना शुरू हो जाता है और जल्दी बग को एहसास हो जाता है। जॉन के पास वापस जाता है और उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब सफेद भेड़िया वहां पर आती है तो एक बार फिर से बग उसके पास चला जाता है। दरअसल बग उसके साथ रहकर बहुत खुश है। जॉन को भी इस बात का एहसास हो जाता है, वो समझ जाता है कि बग को उसका परिवार मिल चुका है। जॉन ने यहाँ पर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया होता है लेकिन सोने के बड़े बड़े टुकड़े को वापस पानी में नदी में फेंक देता है और कुछ सोना अपने पास बचा लेता है। बग को कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बग को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उदास हो जाता है और वापस वो अपने भेड़ियों के पास अपने साथियों के पास चला जाता है। आपको जॉन जब केबिन के अंदर होता है तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर वही बिजनेसमैन होता है जिसके हाथ में गन है। वो अपनी गन से उसके ऊपर हमला करता है जिससे जॉन के हाथ से लालटेन छूट जाती है और पूरा केबिन जलना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। बिजनेसमैन जॉन से कहता है कि मुझे सोना दो और जब वो अपनी जेब से सोना निकालता है तो बिजनेसमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इसी सोने की तलाश में यहाँ पर आया था। वो इससे पहले कि जॉन को मारता यहाँ पर बग आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे घर के अंदर फेंक देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन को भी गोली लगी है इसीलिए वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। बग उसके पास जाता है, जॉन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है, अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। और इसके बाद जॉन की भी मृत्यु हो जाती है जिसके बाद बग उस सफेद भेड़िया के साथ चला जाता है जो कि एक फीमेल भेड़िया है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि बग के और सफेद भेड़िया के बच्चे भी हैं, साथ ही बग अपने पूरे झुंड का लीडर भी हो, सबको लीड करता है। बग ने वाइल्ड की दुनिया को अपना लिया है जिसने उसे कॉल किया था, यानी कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड की दुनिया ने उसे अपनाया है। और इसी के साथ बग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद